नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में धूमधाम से मनाया गया ईद उल जुहा का त्यौहार। ईदगाह में अदा की गई नमाज, सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे और नमाज अदा की। जामा मस्जिद सिरसा के शाही इमाम मोहम्मद सुलेमान ने पढ़ी नमाज, एक दूसरे को गले लगकर दी बधाई। आप देख रहे हैं सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। जिले भर में आज ईद उल जुहा बकरीद का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। रानिया रोड स्थित ईदगाह में नमाज अदा कर अमन की दुआ की। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। रानिया रोड पर स्थित ईदगाह में मुख्य रूप से नमाज अदा की गई, जहां पर सैकड़ों की संख्या में नमाजी जुटे। वहीं मौलाना सुलेमान ने ईद की नमाज अदा करवाई और सभी को मुबारकबाद दी। नमाजियों ने अल्लाह से सबके भले के लिए दुआ की। बाद में सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर के मुबारकबाद दी। इस अवसर पर सिरसा के जामा मस्जिद में इमाम मौलाना सुलेमान ने कहा कि बकरीद कुर्बानी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार पर मुसलमानों से वे गुजारिश करते हैं कि अल्लाह के सामने वे देश में अमन शांति कायम रखने के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार में भाईचारे का त्यौहार है और उन्होंने प्रदेश व प्रदेश में भाईचारा व शांति का संदेश दिया है। इबादत फरमा या अल्लाह, हमें दीन पर मुकम्मल चलने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह, कुरान के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा, बेहयाई से हमारी हिफाजत फरमा। आदमी को अपने पापों से मुक्त होने के लिए, अपने गुनाहों को धोने के लिए सही मायने में जो है कुर्बानी का जो असल मकसद जो था कि भाई आदमी पाक हो जाए और अपने माल दौलत अपने जान से भी ज़्यादा जो है अल्लाह की जो है रज़ा को वो महबूब बनाए, महबूब समझे और अल्लाह की रज़ा को महबूब समझते हुए 10-20 हज़ार लाख 2 लाख के 10-20 लाख के बकरे वगैरह खर्च करते हैं। ये असल में माल का खर्च करना जो है ना, हर आदमी से जो नहीं हो पाता माल का खर्च करने के लिए और अपनी औलाद को जो है कुर्बान करने के लिए कुर्बानी की जाती है। आवाम के लिए अल्लाह ताला सभी खुसूसन हमारे सूबे हरियाणा को हमारी तरफ से ईद कुर्बा और ईद उल जुहा मुबारक हो और तमाम मुल्क के लिए मैं जो है बेहतरीन दुआएं करता हूं और आपस में भाईचारा और अखुवत और मसावात और बराबरी और ये सारी बनी रहे और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद और मोहब्बत बनी रहे और सभी लोगों को एक बार फिर से ईद कुर्बा की जो है मुबारकबाद और बधाई हो। मैं बकरीद के दिन, ईद के दिन जो है मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये भाईचारा आपसी मिलजुल के जो बकरीद मनाते हैं सबको मैं बधाई देता हूँ और एक दूसरे से गले मिलकर हम बधाई दे रहे हैं और हमारा देश में अमन चैन भाईचारा शांति बनी रहे। आज यही यहाँ प्रार्थना की है, यहाँ वो किया भी सब तो भी यहाँ सब भाई मिलजुल के रहें, शांति से रहें, एक दूसरे से प्यार करें, इसी में हमारे देश की भारतीय तरक्की आपसे मिलजुल के रहें, यही मेरा आज संदेश है।